बेंट रूल फॉर ट्राइगोनल बायपिरामिडल एंड पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिंग्स इन अ गिवन पर्टिकुलर कंपाउंड। अब ये जो है वीएसईपीआर थ्योरी, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में ये दो पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप बता देना मुझे। हाँ, सो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भार्गव, सृष्टि, सोनम, अरुंधति, गुड आफ्टरनून। सो देखो, बेंट रूल में हम क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, बेंट रूल का पहला स्टेटमेंट आपको ये लिखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम प्रीफर प्रीफर टू फॉर्म बॉन्ड विथ ऑर्बिटल हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर कम है तो वहां पे बॉन्ड करना कौन प्रीफर करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप के एग्जाम्पल क्या है आपके पास? है फ्लोरीन, इसके अलावा है CF3 ये ग्रुप अगर है, NF2 ये ग्रुप अगर है। सो ऐसे ग्रुप्स जो है जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड है, वो उस ऑर्बिटल को एक्सेप्ट करना या फिर उस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करना प्रीफर करते हैं जहाँ पे लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उनको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पसंद होता है। तो जो ऑर्बिटल है वो क्या चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी कैपेसिटी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यानी कि वहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने कहां से लाया स्टेटमेंट? सपोज CH4 है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें जो पहला वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है 25%, राइट? सही है। ये जो है ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है? 33.33। ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है 50%। सो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा होगा, यहाँ पे वो ज्यादा है, तो वो जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगी? जहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन कार्बन ज्यादा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई एटम है और ग्रुप है और उससे आपको अटैच करना है सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, कार्बन के ये चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर दिए, राइट? सो ये तो ठीक है कि अगर चारों के चारों हाइड्रोजन है कार्बन को अटैच्ड, सारे के सारे अगर हाइड्रोजन्स है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सारे हाइड्रोजन से तो सारे क्या है? sp3 हाइब्रिड ही ऑर्बिटल होंगे। बट जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, अगर आउटर एटम सारे sp3 हाइब्रिडाइज, अगर आउटर एटम सारे सेम नहीं है, एनवायरमेंट अगर सेम नहीं है, तो वो जो सिंगल ऑर्बिटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह आप फ्लोरिन से रिप्लेस कर दो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, तो यहाँ पे क्या होगा?
दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो गया तो इन तीनों का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल तो सेम रहने वाला है, समझ रहे हो. तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जिस भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अटैच्ड है उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का क्या होता है, कम होता है. अगर इसका कम हो गया तो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है उसी सेंट्रल एटम के ऊपर जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है उनका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा. और इसका एप्लीकेशन हम आगे जाके सीखेंगे बॉन्ड एंगल में, समझ रहे हो. ये एप्लीकेशन हम सीखने वाले हैं बॉन्ड एंगल में. तो स्टेटमेंट तो मैं अभी लिखवा के देती हूँ, ये आपने समझ लिया. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. दूसरा एक स्टेटमेंट है वो भी लिख लो, और एक स्टेटमेंट है वो भी लिखो. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, लिख लो. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. ठीक है, अभी तो हम बेंट रूल सीख रहे हैं. बेंट रूल क्या करता है कि कोई ज्योमेट्री अगर आपको दी है तो उसके सराउंडिंग जो एटम है उनके पोजिशन वो फिक्स करता है. ये बेंट रूल का काम है, पोजिशन फिक्स करना, ये बेंट रूल का क्या होता है, काम होता है, समझ लो. अब ये हम ये अभी याद रखो, इसके एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगी. यहाँ पे आपने समझ लिया. अब एक ऑर्डर में लिखवा के देती हूँ आपको, वो भी आपको बस लिखवा के लेनी है अभी. उसका एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल में आएगा. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑर्डर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्डर. तो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर, सबसे ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद है लोन पेयर. मैं दो डॉट्स लिख रही हूँ, ब्रैकेट में लोन पेयर लिख रही हूँ. उसके बाद है डबल बॉन्ड, और लीस्ट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जहां पे अटैच्ड होगा उसका परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा. और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उस ऑर्बिटल का परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा. उसके बाद लोन पेयर का होगा. तो हम ये किसके ऑर्डर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किसी ऑर्बिटल को अगर अटैच्ड है तो उसका परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर लिस्ट होगा. तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हम ये ऑर्डर किसकी है, ऑर्बिटल की है. ये ऑर्डर किसकी है, ऑर्बिटल की है. तो कौन से ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, ये देखो. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कौन से ऑर्बिटल का कम होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन अटैच्ड है. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कौन से ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होगा, जिस ऑर्बिटल को ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, यानी कि वो जो है ऑर्बिटल वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. ये सारे, ये जो चार्ट, ये जो मैंने ऑर्डर लिखवा के दिया है, इसका एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल का जब हम स्टडी करेंगे तब. सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अगर पॉसिबल है तो मैं बॉन्ड एंगल भी करवा दूंगी. पहले हम बेंट रूल सीखते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए. ये बस लिख लो, ये लिख लो अभी बस. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल में भी है और बॉन्ड लेंथ में भी है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ में भी है. इसके एग्जाम्पल एक साथ हम स्टडी करेंगे. अभी के लिए क्या करो, ट्राइगोनल बायपिरामिडल लिख लो, वो हम पहले कवर करवाते हैं. बेंट रूल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, TBP ज्योमेट्री, TBP. सो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होती है, सेंट्रल एटम है A, आउटर एटम से B, 5 स्टेरिक नंबर होगा उसका. तो सेंट्रल एटम A 3B के साथ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है इस तरीके से. अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री. एक परपेंडिकुलर बी है ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर बी है नीचे,
अब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है जो परपेंडिकुलर बी इस प्लेन के साथ बना रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर इस प्लेन के साथ बना रहा है, ये दोनों बॉन्ड एंगल है 90। हमने अभी रिलेशन क्या देखा था कि परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल कौन सा ज्यादा है? 120। तो ये बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो इस प्लेन का परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, और ये परपेंडिकुलर जो है ये एंगल है यहां पे, ये जो है ऑर्बिटल जिससे भी बना है उसका परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कम हो जाएगा, यहां पर भी परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर जो है ये कम हो जाएगा। तो ये एंगल कहां कहां पे प्रेजेंट है? 120 यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल ए के आपको दिख रहे हैं, इनमें परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, और ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल और नीचे वाले ऑर्बिटल दिख रहे हैं इसमें परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कम हो रहा है। अभी मुझे कमेंट में बताओ परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर इस प्लेन वाले ऑर्बिटल का अगर ज्यादा है तो वहां पे कौन बॉन्ड तैयार करना प्रीफर करेगा? ये परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कम है परपेंडिकुलर का, तो वहां पे कौन बॉन्ड तैयार करना प्रीफर करेगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चार्ट बताया था, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट। सो चार्ट भी देखो और आंसर भी बताओ। इस चार्ट को देखते हुए आपको आंसर बताना है कि जो प्लेन के तीन बॉन्ड है जिन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, वहां पे क्या क्या फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है, और जो एक्सियल बॉन्ड है दो वहां पे क्या क्या फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है, कमेंट करके बताओ। ग्रुप वाइज ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एसपी ऑर्बिटल एक बार समझा दीजिए। ठीक है भार्गव, बता देंगे भार्गव, वो ग्रुप वाइज ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एस एंड पी का। इसका कमेंट करो, अरे बताओ कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर करेगा लेस परसेंट ऑफ इस करेक्टर, बट कहाँ पे? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, आपको क्या बताना है? एक्सियल पे जाएगा या इक्वेटोरियल पे जाएगा? ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। सो ये चार्ट एक बार देखो, हमने क्या बोला था कि परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर अगर कम है, सबसे कम है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बॉन्ड तैयार करना प्रीफर करेगा, और परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कम कहाँ पे है? एक्सियल पे है। सो कंक्लूजन क्या निकला आपका? कंक्लूजन क्या निकला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कंक्लूजन इज दैट more electronegative atom will prefer to occupy axial or apical position. This is the conclusion, right? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रीफर टू ऑक्यूपाई एक्सियल और अपाइकल पोजिशन, क्योंकि वहां पे परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर कम है, राइट? दूसरा कंक्लूजन, इक्वेटोरियल पे कौन आएगा? देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कौन आएगा? इक्वेटोरियल का परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर ज्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर ज्यादा किस किस का है? ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, समझ रहे हो? सो दूसरा कंक्लूजन क्या है? ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड
will prefer to occupy equatorial position. Correct. अब ये जो था percentage of S character, percentage of P character, ये होता है hybridization से. और जो hybridization का concept है उसे हम क्या कहते हैं? Hypothetical concept कहते हैं, mathematical concept कहते हैं. तो एक और approach है ये सब कुछ बातें समझने का. ये बातें आपने समझ ली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की. अभी एक नेक्स्ट अप्रोच है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का, वो भी आपको समझ लेना है. सो नेक्स्ट अप्रोच इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. पहले ये बात समझ लो, यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे. सो अगर आपको डबल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करना है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लो. POCl3 ये सेंट्रल एटम है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तैयार करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, सिंगल सिंगल 3 बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे फास्फोरस की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को ले सकते हैं. 1, 2, 3, 4, SOCl3 फास्फोरस को रिप्लेस करना पड़ेगा. हमें ना स्टेरिक नंबर 5 चाहिए. स्टेरिक नंबर क्या चाहिए हमें, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 2, 3, 4, 5, 6 SOCl4 इसे कंसिडर करो, SOCl4. सो देखो यहाँ पे टोटल 5 स्टेरिक नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5. तो ज्योमेट्री आप कैसे ड्रॉ करोगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. अब हो रहा क्या है कि एक डबल बॉन्ड है. अब हमने ऊपर क्या लिखा था, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड विल प्रीफर टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन. तो इस इक्वेटोरियल पे डबल बॉन्ड को लिखना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग क्लोरीन है वो आपको रिमेनिंग पोजीशन पे लिखने पड़ेंगे. तो ये हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री. ये और डिटेल में बहुत हम VSEPR थ्योरी में सीखने वाले हैं, वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं. बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ. सपोज यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड होता, सपोज कोई ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे और स्टेरिक नंबर 5 है. सो आपको कंसिडर करना पड़ेगा SnCl4- कंसिडर करो. सो देखो क्या है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तैयार करेगा, और ये चार क्लोरीन जो है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तैयार करेंगे. अब देखो स्टेरिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सिंगल स्टेरिक नंबर ही कंसिडर करना है, क्योंकि वो सिंगल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है. ऐसा तो नहीं ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड एक्सियल पे है, दूसरा दूसरे एक्सियल पे है, तीसरा इक्वेटोरियल पे, ऐसा नहीं है ना. वो सिंगल पोजीशन अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसे हम सिंगल स्टेरिक नंबर की तरह काउंट करते हैं. तो यहाँ पे 5 स्टेरिक नंबर है. 5 स्टेरिक नंबर यानी कि आप ड्रॉ करोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखोगे इक्वेटोरियल पे, और बाकी क्लोरीन को, ये बस मैंने हाइपोथेटिकल बताया है, ठीक है, दिस इज हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल. तो ये मतलब होता है बेंट रूल का. तो बेंट रूल हमें इंडायरेक्टली क्या बताने जा रहा है कि अगर कोई कंपाउंड आपको दिया जाता है, आपने स्टेरिक नंबर ढूंढ लिया, सपोज 5 है, उसके ज्योमेट्री आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट उस सेंट्रल एटम को डबल बॉन्ड भी अटैच्ड है, लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, तो क्या पोजीशन होगी, कौन कहाँ पे होगा, कौन इक्वेटोरियल पे होगा, कौन एक्सियल पे होगा, ये सब कुछ हम सीखते हैं बेंट रूल के हेल्प से. तो ये जो मैंने बताया था ये था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का. तो ये जो हमने अप्रोच सीखा, ये सीखा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से. अब इसी का दूसरा अप्रोच है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है. कंक्लूजन सेम है, दोनों का कंक्लूजन क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो जाएगा एक्सियल पे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर अगर है तो वो जाएंगे इक्वेटोरियल पे. कंक्लूजन इज सेम, बस एक दूसरा अप्रोच मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. सो द नेक्स्ट अप्रोच इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. दिस इज योर सेकंड अप्रोच. सो ड्रॉ करो फिर से ए बी फाइव मॉलिक्यूल. सो सेंट्रल एटम इज ए, ये बी है जिन्होंने ट्राइगोनल प्लेन तैयार किया है. एक बी जो है वो ऊपर है, एक बी जो है ये नीचे है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हाट आपको देखना है, बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है. सो अभी जहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन के पैर है, ये एक इलेक्ट्रॉन के पैर है, ये एक इलेक्ट्रॉन के पैर है, ये भी इलेक्ट्रॉन के पैर है और ये भी इलेक्ट्रॉन के पैर है. तो जो इलेक्ट्रॉन के पैर 120 डिग्री एंगल पे है उनमें डिस्टेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो वो स्टेबल होंगे. जैसे जैसे आप 120 डिग्री को 90 डिग्री पे लाओगे, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है. अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा. तो ये हाथ यानी कि प्लेन, ये हाथ यानी कि आपका एक्सियल बॉन्ड. सो ये 90 डिग्री पे है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा. प्लेन में क्या हो रहा है, 120 डिग्री पे है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. तो जो भी ग्रुप्स है जिनको कम स्पेस की जरूरत है, जिनको ज्यादा जगह नहीं चाहिए, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बट वो कम स्पेस में अरेंज हो सकते हैं, उनको हम रखेंगे एक्सियल पोजिशन पे. तो स्मॉल स्पेस या फिर स्मॉल साइज जो है वो किनकी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की होती है. राइट. सो एक्सियल पोजिशन, यहाँ पे ये जो एक्सियल पोजिशन है इन पे आप किसको रखोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिन, इट रिक्वायर स्मॉल स्पेस. अब इसके अपोजिट एक्सियल पे ना एंगल ज्यादा है, एक्सियल का डिस्टेंस इक्विटोरियल का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है ना तो वहां पे रिपल्शन कम होगा, जिसके कारण जो भी बड़े ग्रुप्स है उनको आप वहां पे रख सकते हो. बड़े ग्रुप कौन होते हैं, लोन पेयर. बड़े ग्रुप्स कौन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड यानी कि चार इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि छह इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर, लोन पेयर एक ऐसी चीज है जो सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होती है. लोन पेयर एक ऐसी चीज है जो कि सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, नाइट्रोजन से अट्रैक्टेड है. ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये क्या है, अट्रैक्टेड बाय सिंगल न्यूक्लियस. बट ये जो बॉन्ड पेयर है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्टेड है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्टेड है. सो बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियस. तो जो दो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है वो स्मॉल स्पेस में अरेंज्ड होती है. वो क्या होती है, एकदम स्मॉल स्पेस में अरेंज होती है. अटकी है ना बेचारी, यहाँ से भी अट्रैक्टेड है, यहाँ से भी अट्रैक्टेड है, तो वो ज्यादा हिलेगी नहीं, वो टाइटली सिंगल बॉन्ड है ना तो वही पे रहेंगे, उसकी पोजिशन ज्यादा यहाँ वहां नहीं जाएगी, वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी. तो आप उसे क्या बोल सकते हो कि वो स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज ऑक्यूपाइंग स्मॉल स्पेस. थिन है वो, थिन है वो, शेप में क्या है, थिन है. ये सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है तो ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ वहां बहुत जगह घूम सकती है क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वो थिक होता है, उसका शेप क्या होता है, बड़ा होता है. सो इट इज थिक इन शेप. ठीक है, थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको. सो हमें ये पता है कि अगर इक्विटोरियल के पोजिशन आप देखोगे तो वो 120 पे है, ज्यादा स्पेस है, तो अगर कोई थिक ग्रुप आपने वहां पे रख दिया तब भी वो स्टेबल हो जाएगा, राइट. बट एक्सियल पे थिन ग्रुप को रखना पड़ेगा, पतले वाले ग्रुप को रखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि वो एक्सियल पोजीशन से जो है वो 90 पे है, और अगर 90 पे जो पोजीशन है, इमेजिन करो ये वाला ग्रुप 90 पे है, तो इसे रिपिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये छह इलेक्ट्रॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपिल कर रहे हैं, समझ रहे हो, नीचे का भी केस सेम है, ये छह इलेक्ट्रॉन मिलके इसको रिपिल कर रहे हैं,
मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे ग्रुप्स को रखना पड़ेगा जो थिन है। सो थिन ग्रुप कौन होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, जिनको स्मॉल स्पेस चाहिए होती है। और इक्विटोरियल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर को रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो यही तो है, बेंड रूल हमें क्या सिखाता है, कौन सी पोजीशन किसकी है, यही हम सब सीखते हैं बेंड रूल में। सो कहा थे हम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये है इक्विटोरियल पोजीशन, ये है एक्सियल पोजीशन। अगेन इक्विटोरियल पे कौन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड। एक्सियल पे कौन आएगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। थिक थिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थिक कौन होता है, लोन पेयर होती है, थिन कौन होता है, बॉन्ड पेयर होती है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है और ये जो बॉन्ड पेयर है ये डबल और टू न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। डन, अंडरस्टूड? हाँ जी। एक्सियल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर प्रीफर इक्विटोरियल, ग्रेट 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 ग्रेट, लेस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी दुर्गा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम परसेंट ऑफ मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाँ जी वेरी गुड निशा, अरुंधति वेरी गुड, भार्गव हाँ जी, अरुंधति ग्रेट, कुशल गुड, दुर्गा गुड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल, दैट इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल डिटरमिनेशन। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल दैट इज बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब मैं जो एग्जांपल बता रही हूं वो एग्जांपल नोट डाउन कर लो। CH3 एक बॉन्ड में ऐसे लिख रही हूँ सेपरेट करके, CH3F, CH1 2 3 4 हो गए ना ये, ऐसे कर लो। CH एज इट इज रखो, यहाँ का एक H फ्लोरिन से रिप्लेस करो। CH एज इट इज रखो, यहाँ का यहाँ के दो एच जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस करो। CH एज इट इज रखो, तीनों फ्लोरीन से रिप्लेस करो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो क्वेश्चन इज दैट अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी सी एंड डी। ये आपको करना है, ए बी सी डी का बताना है। तो एक मैं करके दिखाती हूँ आपको। सो होता क्या है, कार्बन है सेंट्रल पोजीशन पे, कार्बन के चार ऑर्बिटल है। अब चारों ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तैयार कर लिया। अब एक दूसरा केस ये है कि एक और ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड तैयार कर रहा है फ्लोरीन के साथ। सो पहली चीज मैंने क्या बताई थी, जहां पे फ्लोरीन है वो ऑर्बिटल उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, तो बाकी का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो तैयार कर रहा है ऑर्बिटल उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये बात नोट डाउन करो। तो अगर परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर ये ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक ही फ्लोरीन की बात की मैंने, ये वाला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जिसमें दो फ्लोरीन है तो और एक को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, और एक को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से। अब ये आ गए आपके दो फ्लोरीन, तो दोनों भी ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कम है, तो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है उनका परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर तो और ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल, और ज्यादा है मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये वाले बॉन्ड लेंथ जहां पे दो फ्लोरिन है ये और ज्यादा कम हो गई एज कंपेयर टू वन फ्लोरिन, समझ रहे हो। अभी तो मैंने बता दिया, ऑर्डर बता दो मुझे एबीसीडी में बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर क्या आएगी। एबीसीडी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर है क्या? सही है। डी लिस्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग डी को लिस्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग डी को हाईएस्ट बोल रहे हैं। क्रॉस चेक करो मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान नहीं है आपका। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे दो फ्लोरिन है तो दो फ्लोरिन की वजह से इन दोनों ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा तो बाकी दो का इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर इंक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो जितने ज्यादा फ्लोरिन है उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, जितने ज्यादा फ्लोरिन है उतनी कम इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, तो डी लिस्ट में आएगा। मिस्टेक समझ में आ गई, हम सी एफ की पूछ ही नहीं रहे हैं आपको, बॉन्ड लेंथ पूछी किसकी है, सी एच की, दूसरे ऑर्बिटल की, सी एफ फ्लोरिन वाले ऑर्बिटल की पूछी ही नहीं आपको, उसके अपोजिट वाले ऑर्बिटल की पूछी है। मिस्टेक समझ में आ गई, यस और नो बता दो कमेंट में। हाँ जी, डी सी बी है इंक्रीजिंग लेंथ, वेरी गुड। हाँ जी सही है, जिन्होंने उल्टा लिखा था उनको मिस्टेक समझ में आ गई। सेकंड एग्जांपल लिखो अभी आपके रेफरेंस के लिए, ये ऐसा ही रखती हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पे ले लेती हूँ, ध्यान दो अभी। N2H4 एंड N2F4, सो दो नाइट्रोजन से 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन से, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चार फ्लोरिन है। सो अभी आपको बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक्स, दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाई, एक्स एंड वाई का कंपैरिजन मुझे बता दो। तो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान दो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व करना। सो मैंने क्या बोला था, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये चारों हाइड्रोजन के साथ है, सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, और इस वाले में नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। तो जो येलो कलर से मैंने लिखा है हम बस उनका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बाकी सब सेम है। तो पहले वाले में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन जिस नाइट्रोजन के इस ऑर्बिटल को अटैच्ड है उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसका कम है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड का कम है तो उसका एडजेसेंट बॉन्ड का अपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि सेम सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो उसका एक ऑर्बिटल अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम कैरी कर रहा है तो ये उसी का ऑर्बिटल है ना, इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था
इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर ज्यादा है तो ये भी तो नाइट्रोजन का ही ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसका कम हो जाएगा, ये ज्यादा है तो ये कम है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब हमारे पास हाथ में कंक्लूजन क्या है, इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है, इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्लियर है? हाँ जी, अब तक 4-5 स्लाइड हुई होगी शिखा। फोर टू फाइव स्लाइड्स हुई है। भार्गव क्लियर है? ठीक है, बाकी लोग भी बता दो। एक्स एंड वाई का कंपैरिजन हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल आपको करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर यू। B2F4, B2H4, सो बोरॉन बोरॉन 1, 2, 3, 4, सॉरी ये वाले फ्लोरीन है, बोरॉन बोरॉन यहाँ पे हाइड्रोजन से, इसको कंसिडर करो एक्स, इसको कंसिडर करो वाई। सो कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन इज दैट कंपेयर बॉन्ड लेंथ एक्स एंड वाई। आंसर करोगे अभी मुझे? तब तक मैं आगे के स्ट्रक्चर लिख के रखती हूँ, इसका आप बता देना मुझे। क्या गया, वाई इज ग्रेटर देन ए एक्स, सबने लिखा है, सेम लिखा है सबने, गुड। तो ये वाला है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये अगर ज्यादा है तो पर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एक्स यस, एक्स कम है वाई ज्यादा है, सही है सबका। नेक्स्ट देखो, पहली बात PCl5 है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बॉन्ड लेंथ बी है, कंपैरिजन बताओ ए और बी का। इसके पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाती हूँ,
लिख लो स्लाइड साइड में। एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये किसकी वजह से हुआ? जो एक्सियल पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, हमने बोला था कि वो इन तीनों बॉन्ड से 90 डिग्री में रिपिल हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसको रिपिल कर रहे हैं। उसी रिपल्शन के कारण जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवा दिया, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। दूसरा पॉइंट ये है, इफ साइज ऑफ, दूसरा पॉइंट बस इतना लिखो कि साइज ऑफ एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर देन एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन। अभी बस लिखो, इसका मैं एप्लीकेशन बताती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू एक्सियल इक्विटोरियल पोजिशन। तो ये ए है जो इक्विटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल बॉन्ड को, उनका कंपैरिजन मुझे बता दो। सो आपको पता है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, तो ये हो गया उनका कंपैरिजन। नेक्स्ट इज PCl4F। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजिशन, उसको यहाँ पे रख दिया मैंने, और बाकी पोजिशन पे कौन है, क्लोरीन है। तो कंपेरिजन आपको बताना है, पहले तो ए और बी का, पहला कंपैरिजन ए और बी का है, दूसरा कंपैरिजन है, पहला ए एंड बी का कंपैरिजन है, दूसरा कंपैरिजन है एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का। तो देखो, ए और बी दोनों भी फास्फोरस एंड क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है। ये वाला ए वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विटोरियल की है, बी वाली एक्सियल की है, तो इस केस में एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। ये पॉइंट हो गया। अब एक्स एंड वाई क्या है, देखो एक्स एक्सियल है, वाई इक्विटोरियल है, बट अलग अलग एटम है, यहाँ पे फ्लोरिन है, यहाँ पे क्लोरिन है। मैंने क्या बोला था, साइज ऑफ एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर क्लोरिन की साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरिन, तो वो कहां पे भी हो, चाहे एक्सियल पे हो चाहे इक्विटोरियल पे हो, उसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। अगर एटम की साइज ही ज्यादा है ना, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है, मतलब वो ज्यादा साइज वाला एटम जहां पे भी होगा, एक्सियल पे होगा इक्विटोरियल पे होगा, वही बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। तो हमारा ये जो क्लोरीन है ये अभी इक्विटोरियल पे है, फ्लोरीन एक्सियल पे है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर साइज होने की वजह से, क्लोरीन की साइज ज्यादा होने की वजह से इक्विटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सो नेक्स्ट आप करके दिखाओगे अभी मुझे, PCl3F2 दोनों एक्सियल पे फ्लोरीन को रखो और यहाँ पे क्लोरीन को रखो। सो ये a है और ये b है, फर्स्ट कंपैरिजन आपको बताना है a एंड b का, सेकंड कंपैरिजन आपको बताना है ये एक्स है और ये वाई है, एक्स एंड वाई का। फिल इन द ब्लैंक्स करो। चेक करो आंसर्स। यहाँ पे ए बी में क्लोरीन विल बी ऑलवेज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, एक्स एंड वाई में अगेन क्लोरीन विल बी ऑलवेज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे ए एंड बी में दोनों फ्लोरीन है तो एक्सियल वाला ज्यादा होगा, एक्स एंड वाई में क्लोरीन विल बी ऑलवेज ऑफ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। दिस इज योर आंसर। ठीक है,
आई होप सबने सही किया है। हाँ जी निशा, ए और वाई को आप बोल रहे हो, ग्रेट ग्रेट। अरुंधति, कुशल, सही है। ए और वाई, ए एंड वाई, ग्रेट ग्रेट। ओके सो द नेक्स्ट इज बेंट रूल फॉर पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज बेंट रूल फॉर पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। सो वेयर स्टेरिक नंबर इज व्हाट? सेवन। स्टेरिक नंबर सेवन है, सो आप कैसे ड्रॉ करते हो? ए बी सेवन, ए बी सेवन है। सो पेंटागॉन पहले तो ड्रॉ करो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये पेंटागॉन हो गया। पेंटागॉन पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो है 72 डिग्री। और ये परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर का है और नीचे का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो अब मुझे बताओ ज्यादा स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, इक्विटोरियल पे या फिर एक्सियल पे? इक्विटोरियल पोजीशन तो हम इनको बोलते हैं, ये जो मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ ये सारे पोजीशन इक्विटोरियल है। जो ग्रीन कलर से लिख रही हूँ ये दो एक्सियल है। ज्यादा बॉन्ड एंगल जहां पे होता है वहां पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। सो ऊपर यानी कि परपेंडिकुलर जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं वो 90 पे है, और ये इक्विटोरियल के जो है वो सारे के सारे 72 पे है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जो हमने ट्राइगोनल बायपिरामिडल में देखा था कि इक्विटोरियल 120 पे है, तो 120 यानी कि ज्यादा स्पेस इक्विटोरियल पे है, बट यहाँ पे 90 ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस एक्सियल पे है। उल्टा हो गया पेंटागोनल बायपिरामिडल में, तो ज्यादा स्पेस कहाँ पे है? यहाँ पे 90 डिग्री पे। सो मोर थीटा, पहला अप्रोच क्या था हमारा, मोर थीटा दैट इज मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। यहाँ पे क्या है, लेस एंगल, सो दैट कम थीटा अगर है सो इट इज लेस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप विल प्रीफर टू अटैच हियर। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अब कहाँ पे जाएंगे, इक्विटोरियल पे। तो कंक्लूजन क्या आ गया हमारा, कंक्लूजन ये आ गया कि इन पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विल प्रीफर टू ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजिशन। यह आ गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ भी क्या है, रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, इक्विटोरियल में ज्यादा रिपल्शन लग रहा है एज कंपेयर टू एक्सियल। सो बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। तो ये दो कंक्लूजन है जिसके हिसाब से हमें अभी आंसर्स लिखने हैं। सो राइट डाउन द एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको लिखना है आई एफ फाइव सी एल टू। अब ये तो मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आपको दे रही हूं, आई एफ फाइव सी एल टू। इक्विटोरियल पे कौन आएंगे सारे, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स आएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। एक्सियल पे दो क्लोरीन आएंगे, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आई एफ फोर सी एल थ्री। तो इस केस में क्या करना है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिख लो इक्विटोरियल पे, 1, 2, 3, 4। उसके बाद रिमेनिंग पोजिशंस पे क्लोरीन को लिखो, 1 और 2। सो अब कैसे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करोगे आप, ये ए है और ये बी है, तो इसमें पहला कंपैरिजन लिखो ए एंड बी का। दूसरा कंपैरिजन देखो कैसे करना है आपको, ठीक है, इसमें दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं होगा, बस एक ही कंपैरिजन होगा। यहां पे देखो फर्स्ट कंपैरिजन, ये ए है और ये बी है, दूसरा कंपैरिजन होगा, इसे एक्स कंसिडर करो, इसे वाई कंसिडर करो, एक्स एंड वाई का। तीसरा कंपैरिजन होगा एक्स है, इसे जेड कंसिडर करो, एक्स एंड जेड का। सो ये आपका पेंटागोनल प्लेन है, ठीक है, इजीली बता सकते हो आप अभी मुझे। बी ए बोल दिया आपने, फर्स्ट भार्गव ने ए इज ग्रेटर देन बी, अरुंधति का बी इज ग्रेटर देन ए, क्या हो रहा है, अच्छे से करो, यहाँ पे क्यों गलती हो रही है। अभी ए क्लोरीन है और बी फ्लोरीन है, तो पहले बता दिया था मैंने कि साइज ऑफ एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर, तो क्लोरीन बड़े साइज का है तो यही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी ज्योमेट्री हो, ए विल बी ग्रेटर देन बी बिकॉज क्लोरीन इज ऑफ लार्जर साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पे देखो ए बी क्लोरीन लार्ज साइज का है, वैसे लिखो एक्स वाई, एक्स क्लोरीन है वाई फ्लोरीन है, तो एक्स ज्यादा होगा, एक्स जेड, एक्स क्लोरीन है जेड क्लोरीन है। अब कंपेयर करो, यहाँ पे एक्स वाली बॉन्ड लेंथ पे भी क्लोरीन है, वाई जेड वाली बॉन्ड लेंथ पे भी क्लोरीन है, अब कंपेयर करो कि इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इक्विटोरियल पे एक्स है, यानी कि एक्स विल बी ग्रेटर देन जेड, ठीक है, डन। सो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो बस वीडियो को एक बार बैक करो और फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सारी सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब यही हम बेंड रूल अप्लाई करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर, साइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ हम डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो हमने सीखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन फॉर साइक्लिक कंपाउंड, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन साइक्लिक कंपाउंड। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन साइक्लिक कंपाउंड, सो कैसे करना है देखो, यहां पे सारे कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन है, बस मैं एक को ही डिनोट कर रही हूं, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, एंड सो ऑन। सो होता क्या है, ये सपोज अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, सो हमें करना क्या है, पहले तो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करो, सो अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन गामा, दिस इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी कम कहां पे होगा, जहां पे अल्फा है, तो फर्स्ट में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम कहां पे होगा, यहां पे, सो यहां पे लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, राइट। अगर ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर लेस है तो इसके अपोजिट वाला, ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं इसमें लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, तो इसके अपोजिट वाले जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर।
और अगर मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं इनको नाम देती हूँ, इस बॉन्ड लेंथ को आप एक्स बोल रहे हो, इसको वाई बोल रहे हो और इसको जेड बोल रहे हो, तो कंक्लूजन क्या निकला, मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर एक्स बॉन्ड लेंथ में है तो ये जो एक्स बॉन्ड लेंथ है ये सबसे कम होगी और ये ऑर्डर आ जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ का। दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर है ये वाला? क्लियर है? एक बार फिर से समझा देती हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये डायग्राम वापस से ड्रॉ करके। फर्स्ट डायग्राम वापस से ड्रॉ कर रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान दो। तो ये थ्री मेंबर्ड की रिंग है, ये अंदर का एंगल जो है ये अल्फा है। अल्फा बीटा गामा में अल्फा सबसे कम है, बॉन्ड एंगल अगर कम है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम होगा। किसका कम होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर? ये एंगल कहाँ पे है, ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच का एंगल है। एंगल अगर कम है, अल्फा क्या है, कम है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। तो इस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। अगर इनका कम है, ये जो येलो कलर के है इनका कम है, तो इसके अपोजिट जो ऑर्बिटल है उनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और हमें ये वाले कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ चाहिए जहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एक्स विल बी ऑफ लीस्ट बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? So, वैसे देखा जाए ये जो कंपाउंड है दे आर नॉन प्लेनर, साइक्लोहेक्सेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, बोट शेप फॉर्म करता है, राइट? ये प्लेनर होगा, बट ये आगे आगे जैसे जाओगे आप वैसे वैसे प्लेनरिटी डिस्टर्ब होती है। एज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिंग इंक्रीजेस द कंपाउंड इज नॉन प्लेनर। बट हम बस क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एंगल देख रहे हैं और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं। बाकी सारी डिटेल में चीजें आप ऑर्गेनिक में सीखी जाओगे, यहाँ पे बस मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डाल रही हूँ। क्लियर है? अभी नेक्स्ट चीज हम कंपेयर करेंगे जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक तो आपने सीखा ही होगा, राइट? ऑर्गेनिक के बहुत सारे लेक्चर तो हुए हैं तो ये बात तो आप समझ ही लोगे डीलोकलाइजेशन कैसे होता है। तो ये फोर मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और उसके एडजेसेंट सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ये तो पता ही आपको, राइट? फोर मेंबर्ड हो गया। अभी मैं फाइव मेंबर्ड रिंग में ड्रॉ कर रही हूँ और ये वाला डीलोकलाइजेशन बता रही हूँ। तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद किस तरीके का सिनेरियो होता है, इस तरीके का, ये वाला, यानी कि जो डबल बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो जहां पे ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा वहां पे स्ट्रांग सिंगल बॉन्ड तैयार होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा है यानी ये लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। सो हमें देखना क्या है, कहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज होगी। तो लोन पेयर को ये नाइट्रोजन तब छोड़ेगा ना जब उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो अगर ये जो दोनों नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन में जिसका भी परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल का कम होगा तो वो लोन पेयर इजीली जाएगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रखेगा, जाने देगा। तो बस आपको ये देखना है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम कहाँ पे है। तो ये लोन पेयर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है,
ये लोन पेयर भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, एंगल कंपेयर करो, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो पहला कंपैरिजन किसका होगा? अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा में कम कौन है? अल्फा कम है, बीटा ज्यादा है। एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर, तो ये अल्फा अगर कम है तो यहाँ का परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कम होगा और यहाँ का परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर ज्यादा होगा। अगर अल्फा का परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कम है तो उसके जो अपोजिट वाले ऑर्बिटल है ये यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा। बीटा वाला परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है तो उसके अपोजिट वाले ये जो है हाइड्रोजन नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, वैलेंस तीन ही है ना नाइट्रोजन। बीटा अगर क्या है, ज्यादा है, इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है तो उसके अपोजिट वाला ये जो नाइट्रोजन का लोब है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कम कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ये ज्यादा डिलोकलाइज होगा। ज्यादा डिलोकलाइज होगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे केस अगर है तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को आप बोल सकते हो एक्स, और इसको बोल सकते हो वाई। इसको x बोलो, इसको y बोलो। सो कंक्लूजन क्या है? x इज लेस देन y। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, गुड 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 गुड, ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कुछ बॉन्ड एंगल वाले एग्जांपल। सो एक बार अगेन रिवाइज करेंगे, रिवीजन देखो किसकी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज रिवाइज आपको करना है। मैंने जो ऑर्डर लिखवा के दी है उसको, इसको रिवाइज करो। परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर के ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये याद रखो। परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर के ऑर्डर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वो ज्यादा परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर कैरी करेगा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड एंड लिस्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जय। चल ये रिवीजन हो गई। सो इसके बेसिस पे दूसरी रिवीजन ये, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इन दोनों को यूज करते हुए मैं कुछ आपको बॉन्ड एंगल के एग्जाम्पल बताती हूँ, वो सॉल्व करने हैं और कुछ होमवर्क में करते आना है। नंबर ऑफ रिंग वाला पार्ट जो है ये एक्चुअली आप ऑर्गेनिक में सीखते हो। सो यहाँ पे बस मैं एक बार बता देती हूँ कि नंबर ऑफ रिंग वाला पार्ट कैसे करना है, दो तीन एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। बाकी ऑर्गेनिक में सर ने आपको बताया होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जहाँ पे आप निकालते हो वो वाला पार्ट है ये। बस अभी लिखा है मैंने, पॉइंट तो बता ही देती हूँ। रिंग, किसी कंपाउंड में रिंग कैसे काउंट करोगे आप? ये एक रिंग है राइट, ये एक रिंग है आपको पता है। सो वैसे ही इसमें कितने रिंग्स हैं ये आपको पता लगाना है। सेम वे इसमें कितने रिंग्स हैं ये आपको पता लगाना है। तो ओपन चेन बनाने के लिए, ओपन चेन हिंदी में लिख देती हूँ, ओपन चेन बनाने के लिए कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ा, कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ा, उतनी चेन्स उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये यहां से ब्रेक करो एक बॉन्ड, ओपन चेन हो गया कंपाउंड राइट, ये कंपाउंड जो है ये ओपन चेन हो गया ऐसे। तो इसमें एक रिंग प्रेजेंट है, सिंगल रिंग। अब यहां से कट करो एक बॉन्ड को, फिर भी ये वाली चेन तो रहेगी, तो यहां से भी कट करो तो ये ओपन चेन बन जाएगा। मतलब यहां दो रिंग प्रेजेंट है। यहां देखो ये एक कट लगा दो,
ऊपर वाला पार्ट चला गया, फिर भी ये एक रिंग बची है ना, तो यहाँ पे भी कट लगा दो, वो भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ओपन चेन बन गया। मतलब यहाँ पे दो रिंग्स प्रेजेंट है, समझ रहे हो दो रिंग्स कैसे प्रेजेंट है? और एक कंपाउंड ले लो तो और क्लियर हो जाएगा। इसको देखो, ये कट करो तो लेफ्ट साइड वाली रिंग ओपन हो जाएगी, ये कट करो राइट साइड वाली रिंग ओपन हो जाएगी, ये कट करो ऊपर वाली ओपन हो जाएगी। मतलब ये तीन रिंग से बना है। तो नंबर ऑफ रिंग का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड अगर दिया है तो उसमें कितनी साइक्लिक रिंग है, ये कैसे काउंट करोगे, कितने बॉन्ड आपको ब्रेक करने पड़ेंगे उस कंपाउंड को ओपन करने के लिए, उतना ही उसका नंबर ऑफ रिंग का काउंट होता है। सो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी हम ऐसे ही निकालते हैं, जितने रिंग है, रिंग्स आर कैलकुलेटेड इन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो यहाँ से आप डी यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने बता दिया आपको। तो हम कहाँ पे थे अभी? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे। वेस्पर थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, सो देखो द फर्स्ट वन इज सी एच फोर, सी एच फोर, इसे थीटा वन कंसिडर करो, पी ओ सी एल थ्री, इसे थीटा टू कंसिडर करो, इसे थीटा थ्री कंसिडर करो। सो थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री, इनका कंपैरिजन आपको बताना है। थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री, सो अप्लाई करो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और लीस्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, राइट? अब ये एग्जाम्पल मैं हटा देती हूं, यहां पे मैं लगाती हूं चलो रहने देते हैं। पहले थीटा टू, इसको थीटा रहने दो, कोई बात नहीं, आपने लिखा होगा ना अब तक। थीटा वन है, सो हमारा रूल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है वहां पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर होगा, ये वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर अगर यहाँ पे होगा तो ये जो बाकी ऑर्बिटल है इनका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर सबसे कम इसका है तो थीटा थ्री जो है वो हो जाएगा लिस्ट, वो हो जाएगा लिस्ट, समझ जाओ थीटा थ्री लिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो ये जो ऊपर वाला है जिसको मैं बोल रही हूँ अल्फा, अल्फा एंड थीटा थ्री का अगर आप कंपैरिजन करोगे सो अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा थ्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, तो वो ऑर्बिटल जिसके साथ भी बॉन्ड एंगल बनाएगा वो ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थीटा थ्री, समझ रहे हो? क्लियर है? थीटा थ्री किसके बीच का बॉन्ड एंगल है? ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। अल्फा किसके बीच का बॉन्ड एंगल है? ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो अल्फा ज्यादा होगा थीटा थ्री कम होगा। ये एक अनादर एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे थीटा थ्री एंड थीटा टू के बीच में। सो ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है,
इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ये कम है तो इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ये अगर ज्यादा है तो यहाँ पे थीटा टू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री, ये आ गया आपका कंपैरिजन इन दोनों का, समझ रहे हो? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है ऑर्बिटल के, बढ़ रही है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्बिटल, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मीथेन का कंपैरिजन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, दूसरी जगह पे ये एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये अभी रहने दो, ये रहने दो, यहाँ तक क्लियर है सब? थीटा वन यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे हम, थीटा वन अभी रहने दो। नेक्स्ट आप देखो, ये लोन पेयर है, राइट? लोन पेयर का सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, ऐसा लिखती हूँ मैं। ये अगर ज्यादा है तो यहाँ का जो एंगल होगा, इसे मैं थीटा वन डैश बोलती हूँ, थीटा वन डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा वन, इसको मैं बोलती हूँ थीटा टू डैश, सो थीटा टू डैश इज अगेन ग्रेटर देन थीटा टू, ये वाला तो पहला कंपेरिजन होगा। अब इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में अगर कंपेयर करोगे, सो थीटा वन डैश बहुत ज्यादा है क्योंकि वो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड एंगल बना रहा है, सो ये वाला थीटा वन क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू थीटा टू, ठीक है? तो हम जिसका कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल का, ये इमेजिनरी है, एक्चुअली ऐसे होता नहीं है क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है ना, वहां पे कोई एटम नहीं है, तो ये इमेजिनरी कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है? थीटा वन विल बी लेस देन थीटा टू, और एक कंपैरिजन देखो, सी एच एफ, दिस इज अल्फा, सी एच सी एफ एच एच एच, इसे अल्फा कंसिडर करो, सी एफ एफ एच एच, इसे बीटा कंसिडर करो, अल्फा और बीटा का कंपैरिजन आपको करना है। ये क्लोरीन है चारों, ये अल्फा है और बीटा है, ये अलग नाम देते हैं इसको, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, यहाँ पे ए और बी का कंपैरिजन बता दो, यहाँ पे अल्फा और बीटा का कंपैरिजन बता दो, एंड वी विल एंड द लेक्चर नाउ। ये होमवर्क में करके लाओ दोनों, आने के बाद मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? सो आज हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था बेंट रूल से, तो बेंट रूल हमने अप्लाई किया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए, उसके बाद हमने बॉन्ड लेंथ का कंपेयर किया, उसके बाद हमने बॉन्ड एंगल कंपेरिजन किया, और ये कंपेरिजन था इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, नंबर ऑफ रिंग्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी हमने देखा, ठीक?
ठीक है। सो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग था, कुछ नई चीजें अगर आपने सीखी है तो कमेंट में बताते जाओ मुझे, ठीक है। जो होमवर्क में दिया है वो अच्छे से सॉल्व करो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ VSEPR थ्योरी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। कोई बात नहीं, शिखा क्लास बाद में रिवाइज कर लेना। आंसर आ गए हैं आपके, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। गलत है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज रॉन्ग आंसर। ओके, अच्छे से क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे देख लो, ये एक ही फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का क्या होता है, लेस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। यहाँ पे दो दो फ्लोरीन है तो दोनों ऑर्बिटल का क्या होगा, दोनों का लेस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा, तो ये जो रिमेनिंग है इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा ना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, सो बीटा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अल्फा। और ये ए बी है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रा है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रा है। अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रा है तो आइडियल एंगल तो 109.5 दोनों पे होगा, सो ए विल बी इक्वल टू बी, यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं होगा, गलती मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए यही पे आंसर बता दिया। दोनों अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रा है तो ए बी का कंपैरिजन क्यों करोगे आप, परफेक्ट का एंगल तो फिक्स है 109.5, तो वो तो वही रहेगा, समझ रहे हो, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है, एंगल भी सेम है, कंपैरिजन नहीं होगा, ऑल विल बी सेम एंगल 109.5, ठीक है। अब एंड कर देते हैं, थैंक यू।